सशस्त्रीकरण और महिला सुरक्षा पे जो अधिकारीगण हैं, श्रीमती कला रामचंद्रन, श्रीमती भारती अरोड़ा, उनका ऐसा विचार था कि यूँ तो पुलिस विभाग के तरफ से समय समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं, दुर्गा शक्ति ऐप है, 112 है, ये सभी महिलाओं को, वैसे तो सभी को सुरक्षा के लिए, बट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु और भी ऐसे कदम समय समय पर उठाए जाने चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में और विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में और कानून में जो प्रावधान है उसके बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वो उस पर सचेत रहें और उनके खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहे हैं या इस तरह की कोई और घटनाएं हैं उसके लिए वो हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने आ सकें। इसी क्रम में इन्होंने इस साइकिल रैली का एक आयोजन किया है, जिसमें हमारी 15 जो है वो पुलिस की महिला कर्मी जो हैं वो ममता सौदा जी जो DSP हैं उनके नेतृत्व में सभी ज़िलों में जाकर और महिलाओं से इंटरेक्शन करके, उनसे बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित करेंगी, उन्हें जानकारी देंगी। और यह एक ऐसा अभियान है या एक ऐसा प्रयास है जिसे हम भविष्य में भी समय समय पर चलाएंगे, ताकि हमारी महिलाएं जो है वो सशक्त होकर उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आए और वो इस तरह की कोई भी घटना है उसको रिपोर्ट करने में या उसके बारे में सूचना देने में किसी किस्म की झिझक या संकोच न महसूस कर सके। शुरू हुआ है और 10 दिसंबर को इसका समापन होगा। हरियाणा के जो रूरल बेल्ट है सर, वहाँ पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि महिलाएं पुलिस के पास जाती हैं शिकायत लेकर, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती। कई केसेस में हमने फ्री रजिस्ट्रेशन किया है और इसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक इस बात में सफलता प्राप्त हुई है कि हम उन घटनाओं पे अंकुश लगा पाए। किंतु जैसा मैंने कहा, सुधार का जो एक स्कोप है वो हर समय है। वो जहाँ हम एक और इनके महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वहीं हम लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से और उन्हें हमारे पुलिस के कर्मी, और हमने इस क्रम में महिलाओं की भर्ती पे भी काफ़ी जोर दिया है कि ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा हो। महिला थानों का जो है हमने 2015 से ये सिलसिला जारी रखा है वहाँ पे, ताकि इन्हें कोई इस तरह की झिझक न हो, महिलाएं अपनी बात खुलकर कह सकें। तो ऐसे कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और यह जो प्रयास है ये भी उसी प्रयास के उसमें एक सिलसिला या एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। 72 नए पुलिस स्टेशन खुलने जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ महिला थाने भी रहेंगे? नहीं, वो 72 नए पुलिस स्टेशन नहीं है, वो पुलिस चौकियाँ थी जो टेम्प्रेरी पुलिस चौकियाँ थी, उन्हें परमानेंट किया गया है। तो उसमें हमने ऑलरेडी आदेश पारित कर दिए हैं कि उनके लिए लैंड और जो बाकी सुख सुविधा है उसका इंतजाम जल्दी से जल्दी किया जाए। अभी वो सारे जो है वो सैंक्शन नहीं थे, अब वो सरकार ने विधिवत तौर पर उसकी मंजूरी दे दी है, उसके लिए स्टाफ भी सैंक्शन किया और वो जो भर्ती की प्रक्रिया है उस सिलसिले में उसे भी हम समावेश करेंगे। सर, जैसे DSP लेवल के अधिकारियों की अभी हाल ही में प्रमोशन की गई है, वहीं इंस्पेक्टर्स की लिस्ट भी तैयार है DSP प्रमोशन के लिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो हम करेंगे। जब भी सरकार की तरफ से DPC होगा उसमें हमारे तरफ से तैयारी की जा चुकी है, अब उसके आगे जो भी कदम उठाया जाएगा वो जरूर उसके अनुसार जल्द से जल्द हम प्रमोशन करेंगे, ताकि हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ा रहे। थैंक यू।